हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज वो तमाम मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को बदल रहे हैं, नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों से उन सबका अभिनंदन करें। हमें सूचना दी जा चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय प्रस्थान कर चुके हैं और कुछ ही पलों में यहाँ उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही पलों में माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होगा और फिर एक साल नई मिसाल ये कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित किया गया है वो प्रारंभ होगा। गणमान्य अतिथियों का निरंतर आगमन हो रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो चुका है। माननीय प्रत्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का भी आगमन हो चुका है। माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का भी आगमन हो चुका है। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने मीडिया बंधुओं से, छायाकार बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में एक बड़ा लक्ष्य लिया और एक मिशन के रूप में कार्य किया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय और एकात्म मानववाद की अवधारणा को साथ लेकर उत्तर प्रदेश का समग्र विकास प्रारंभ हुआ। एक नए इतिहास का प्रारंभ। एक वर्ष बीत गया, एक साल नई मिसाल, सचमुच बेमिसाल। आज के इस आयोजन में आप सभी का स्वागत। मैं सबसे पहले माननीय सूचना राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से अपने हृदय की भावनाएं व्यक्त करेंगे। मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार जी हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी हम सब की ओर से माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करेंगे। भले ही आप देख ना पा रहे हो लेकिन तालियों से आप जुड़े रहें। पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का भी पुष्प भेंट कर स्वागत करेंगे। प्रमुख सचिव सूचना एवं पर्यटन श्री अवनीश अवस्थी जी माननीय अध्यक्ष विधानसभा माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का पुष्प भेंट कर स्वागत करेंगे। श्री अनुज कुमार झा निदेशक सूचना माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय सांसद माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का पुष्प भेंट कर स्वागत करेंगे। सचिव संस्कृति श्री जगत राज जी माननीय श्री सुनील बंसल जी को हम सब की ओर से पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करेंगे और सभी मंत्रीगण का भी स्वागत किया जाएगा। मैं चाहती हूँ एक बार हम सब सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री अवनीश अवस्थी जी माननीय श्री अनिल जैन जी का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री माननीय राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री अनिल जैन जी का स्वागत श्री अवनीश अवस्थी जी के द्वारा। सभी का स्वागत किया जा रहा है पुष्प भेंट करके। और अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय उप मुख्यमंत्री गण माननीय अध्यक्ष विधानसभा माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन करने के लिए मंच पर पधारें। एक वर्ष
संकल्प का, एक वर्ष चुनौतियों के साथ उपलब्धियों का, एक वर्ष विकास का, एक वर्ष प्रगति का। विश्वानि देवा साबित प्रीतानि परा सुवा यदभु अम्तन्नाय सुवा ओम हिरण न्यगर्वा समाब तथाग्रे ओ तस्यजा तापतिरे कयासेत साधं धारा प्रताव्यं कामुतेमा कस्मै देवा याविसा विदेमा ओम या आत्मदा बलेदा यस्सा विस्सा उपा सते प्रसेसं यस्सा देवा हा यस्य चायं अम्रतं यस्सा अम्रते ओ कस्मै देवा यह विस्सा विदेमा ओम या प्राणतो निवेशातो महितो एका इद्रा जा जगतो बाबुवा याई से अस्य द्विपादश्चतुष्पादा कस्मै देवा याविसा विदेमा। दीप प्रज्वलन के बाद अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर्वप्रथम सरकार के एक वर्ष पूरे होने, भारतीय नववर्ष के प्रारंभ और नवरात्र चैत्र नवरात्रि की मैं आप सबको शुभकामना के साथ सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मंच हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी, सरकार में उप मुख्यमंत्री के नाते उत्तरदायित्व का निर्वाह करने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जिनके साथ बहुत लंबे समय तक काम करने का मुझे अवसर मिला, ऐसे डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भावी राज्यसभा सदस्य सांसद हमारे आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी, जो केंद्र से हमारी सरकार के एक वर्ष के पूर्ण होने पर यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमारे मंत्रिपरिषद के सभी वरिष्ठ सहयोगी मित्र भाई बहन, हमारे सभी माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, पार्टी के सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय श्री सुनील बंसल जी, और यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार जी, हमारे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री ओपी सिंह जी, मैं आज एक वर्ष सरकार के पूरे होने पर, चूंकि यह एक वर्ष का कार्यकाल सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है,
यह हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज मुझे सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर आप सबके स्वागत का अवसर मिला। मेरे बहुत ही सम्मानित साथी जो पत्रकार मित्र यहाँ पर हैं, मैं उनका भी हृदय से इसलिए अभिनंदन करूँगा कि उन्होंने हमारी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल, एक वर्ष या एक साल नई मिसाल, इस रूप में इस कार्यक्रम का आज आयोजन हो रहा है। और इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ववर्ती सरकारों के 15 वर्ष के कार्यकाल पर भारी है। किसी गांव में जाइए, गरीब के घर, गरीब के झोपड़ी में जाइए तो उसके घर को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आच्छादित किया जा रहा है। मैं एक किसान का बेटा हूं, इसलिए एक किसान जो कर्ज के दलदल में डूबा रहा है, हमारी सरकार के शपथ लेने के तत्काल बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो पहली बैठक हमारी संपन्न हुई, उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम किया गया है। मैं अपने किसान भाइयों को इसलिए भी बधाई दूंगा कि केवल कर्ज माफी ही नहीं, उनके जीवन में और कैसे परिवर्तन आए, उनके उपज का सही मूल्य कैसे प्राप्त हो, इस दृष्टि से भी चाहे गेहूं खरीद की बात हो, धान खरीद की बात हो, चाहे आलू किसानों की समस्या हो, चाहे गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान हो, सभी क्षेत्रों में सरकार ने त्वरित कदम उठाने का काम किया है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि जहां देश का नेतृत्व श्वेत वस्त्रधारी संत के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में कर रहे हैं, वहीं हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में जिनकी बहुत सम्मान है, जिस राज्य में अलग अलग राज्यों में जाते हैं, ऐसे हमारे भगवा वस्त्रधारी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनका अपने लिए कुछ नहीं, जो भी है केवल और केवल और केवल समाज के लिए। उत्तर प्रदेश जब माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सोचा जाता है तो देश की 125 करोड़ जनता के लिए, और जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं तो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर के हर निर्णय लेने का काम करते हैं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, चूंकि एक वर्ष सरकार का पूरा हुआ है कार्यकाल, मैं बहुत पूरे मंत्रिपरिषद की ओर से, पूरे विधायक दल की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से, सबकी ओर से एक वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यह मंत्रिपरिषद, यह विधायक दल, सभी वरिष्ठ जनों के सहयोग से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में सफल होगा। एक वर्ष के कार्यकाल में हम जहां हर गरीब तक पहुंचने में सफल हुए हैं, हर किसान तक लगभग पहुंचने में सफल हुए हैं, नौजवानों के जीवन में एक परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं, माताओं बहनों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में रही है, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आपने जो ऐतिहासिक सुधार करने का काम किया है, जिसकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के हर राज्य में होती है, मैं आपको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देते हुए आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज इस अवसर पर अगर मैं अपने संगठन शिल्पी आदरणीय सुनील बंसल जी की चर्चा नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि आज यह अधूरा रह जाएगा। हम सब में से यहां पर बड़ी संख्या में हमारे विधायक गण यहां पर जीत करके यहां पर पहुंचे, माननीय सांसद गण यहां बहुत से उपस्थित नहीं है। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में फूलपुर से लड़ रहा था, और 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ कल्पना नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से संगठन शिल्पी के रूप में आदरणीय सुनील जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनके मार्गदर्शन में जितना शानदार संगठन का काम किया, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करके, और यह जो
मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी विजय लोकसभा और विधानसभा में मिली है, उसमें हमारे नेतृत्व का मार्गदर्शन और हमारे संगठन कौशल के धनी सुनील बंसल जी का बहुत सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय प्रयास रहा। मैं उनकी भी आज एक वर्ष सरकार के पूरे हुए हैं, क्योंकि सरकार को बनाने में जो आपका योगदान है, मैं उसे अगर आज स्वागत के अवसर पर वो छूट नहीं सकता, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं आज यह भी कहना चाहता हूँ, हम में से यहाँ पर जो सरकार के अंदर चाहे मंत्री परिषद के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सहित मंत्री परिषद के सदस्य हों, चाहे हमारे माननीय विधायकगण हों, चाहे हमारे माननीय सांसदगण हों, सभी लोग कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर यहाँ पर हम पहुँचे। इसलिए आज स्वागत के अवसर पर अधिकारियों ने बहुत परिश्रम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में, लेकिन अधिकारी यह आज ध्यान में जरूर रखें कि हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता है, उसके लिए हमारी ओर से कोई कमी ना रह जाए। मुझे लगता है कि आज एक वर्ष पूरे होने पर हमें यह भी संकल्प लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आज यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, हमारा सौभाग्य है देश को माननीय नरेंद्र मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री मिला है, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा हमें मुख्यमंत्री मिला है, हमारा सौभाग्य। और हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, विश्व का नंबर एक का राष्ट्र बनेगा, तो उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी की अगुवाई में देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा, विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ प्रदेश बनेगा। इसलिए मैं आज यही कहूँगा कि हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, जिस संकल्प पत्र को लेकर के जनता के बीच में हम 2014 में 17 में गए थे, उस समय जो वादा किया गया था, उस वादे की बस एक लाइन कह करके आप मैं कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग भी हम जानते हैं किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं, हम सुमन ही मानते हैं। और इस संकल्प के साथ मैं यहाँ पर आए हुए, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, मेरे तमाम वरिष्ठ मंत्री हैं जो मेरे यहाँ पर सब विधानसभा में जब मैं सदस्य के रूप में आया हूँ, मेरे नेता के रूप में, हमारे प्रदेश के आदरणीय चाहे माननीय सुरेश खन्ना जी हों, चाहे आदरणीय सुरेश सतीश महाना जी हों, चाहे आदरणीय स्वामी प्रसाद जी हों, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे जब मैं विधायक बना उस समय अध्यक्ष के रूप में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी वित्त मंत्री, हमारे सरकार के भी कोषाध्यक्ष, हमारे पार्टी के भी कोषाध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय दारा सिंह जी, मैं सबका यहाँ मंत्री परिषद इधर से किनारे से, मैं स्वतंत्र देव जी, आदरणीय महेंद्र जी, उपेंद्र जी, सुरेश राणा जी, अनुप्रिया जी, सब तो हम सब लोग साथ करते काम कर रहे थे जब उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव थे, और जब परिणाम आया तो मुझे लोग बहुत बधाई देते थे, लेकिन एक मैं उस समय कहा करता था कि करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो वही यह कह सकता हूँ कि अब पूरी टीम जो यहाँ पर बैठी है, करते थे सारे लोग मिल करके, मेरा भी नाम हो रहा था, पार्टी का भी नाम हो रहा था, और यह सफलता मिली। हमारे सामने दो तीन वरिष्ठ लोग छूटे जा रहे हैं, माननीय डॉक्टर माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, में डॉक्टर आ जाता है बार बार स्वास्थ्य के कारण से, माननीय मोती सिंह जी, माननीय हमारे ऊर्जा मंत्री जिन्होंने पूरे प्रदेश को ऊर्जा देने का काम किया है, श्रीकांत शर्मा जी, आदरणीय चौहान जी, और सभी मंत्री, आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, मैं कोई छूट रहा हो तो मुझे भाई क्षमा करेंगे, मेरे सभी मंत्री परिषद के साथी, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए, मैं पूरे विश्वास से आज इस मंच से कह सकता हूँ कि हम माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने सहयोगियों के साथ जिस ऊर्जा के साथ सकारात्मक माहौल बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक दिन भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनेगा। और अब बारी है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज संस्कृति विभाग की इस प्रस्तुति के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक स्वरूप को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। लोक संस्कृति, लोक संगीत के विभिन्न कार्यक्रम जो पहचान है उत्तर प्रदेश की, चाहे वो आल्हा हो, आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे श्री रामरथ पांडे जी, फरुआही जो अवध का
लोक नृत्य है श्री मुकेश कुमार, बुंदेलखंड का राई नृत्य प्रस्तुत करेंगे निशांत भदौरिया, ब्रज का मयूर नृत्य प्रस्तुत करेंगे सुश्री जागृति और उनके साथी, कथक आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे श्री अनुज मिश्रा के दिग्दर्शन में सुश्री शारदा मिश्रा और उनके कलाकार, आला फौजदार सिंह जी प्रस्तुत करेंगे। विभिन्न लोक संगीत के स्वरूपों का एक गुलदस्ता एक तरह से आज के इस उत्सव और आयोजन में हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं संस्कृति विभाग के द्वारा। मैं चाहूँगी इन कलाकारों का आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। क्यों क्यों ना हाय,
क्यों क्यों ना है भैया क्यों क्यों ना है जमा क्यों क्यों ना है जोरदार तालियां हो जाएं इस प्रस्तुति के लिए आपने देखा और ये है राई बुंदेलखंड की खुशबू राम राजा सरकार राम राजा सरकार आए शरण में तुम्हारी राम राजा सरकार राम राजा सरकार आए शरण में तुम्हारी मांगलिक अवसरों और दरबारों में गाया जाने वाला राम राजा सरकार राम राजा सरकार आए शरण में तुम्हारी नौ लड़कों कर दो ना धनु पे रोना नौ लड़कों गलियारे सुने सुने लगे तुम बिन धना गलियारे हो गौराई नाच हो गौराई नाच हो गौराई नाच हो ओ गौराई नाच अब तो हमें घर जान दो ओ गौराई नाच अब तो हमें घर जान दो ओ गौराई नाच अब तो हमें तालियों से आशीर्वाद दो ओ गौराई नाच अब तो की ओर
मोहित है रही या छवियों पर ब्रज की सखिया, हो परेशान हो परेशान हो परेशान में मोहि कुटी में मोर बनिया ए भगवान, मेरे मोहना मेरे साजना ओ मोहना मैं तेरी हो चुकिया, मैं तेरी हो चुकिया, मैं पागल तेरा प्यार न जानी, मैं पागल तेरा प्यार न जानी, जब तुझे जानी जब तुझे जानी हुई मैं दीवानी, वृंदावन हो वृंदावन बोले बोल हम और गोकुल में शोर भयो भारी, बोल कन्हैया लाल की राधा रानी की। और अब उत्तर प्रदेश की पहचान कथक मनोज मिश्रा के दिग्दर्शन में। उठी घर गो पवन मंद सुगन डोलत, पवन मंद सुगन डोलत जो का देत झकोर झूलत, राधे नवल किशोर झूलत, राधे नवल किशोर झूल दग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 
नगद बिना नगद बिना नगद बिना नगद बिना नगद बिना नगद की गिरता मुकुट चंद्रिका इत श्याम तन कोर मनहु घर पर तड़ित चमक मनहु धन पर तड़ित चमक देखो नाचत मोर देखो नाचत मोर देखो नाचत मोर मयूर की गान दान देखिट दान दान देखिट दान देखिट दान देखिट दान देखिट दान देखिट दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उन्नीस बीस इक्कीस बत्तीस तैंतीस चौबीस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस संगीत को
आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्कृति विभाग की ये प्रस्तुति थी, एक गुलदस्ता उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक संगीत और कथक जो पहचान है उत्तर प्रदेश की, एक घराना दिया है उसके कलाकारों द्वारा। एक बार जोरदार तालियां और हो जाए इन सबके अभिनंदन के लिए। हमारे सभी कलाकारों की एक इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे अतिथि महोदय हमारे कलाकारों के साथ में आशीर्वाद प्रदान करें। फोटो फोटो कुछ फोटो बोलिए बोलिए। अनमोल पल है ये इन कलाकारों के लिए, हम सब की प्रेरणा स्रोत माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ ये तस्वीर। आह्लादित और उत्साहित ये कलाकार जिन्होंने लोक संगीत को बनाए रखने में अपना पूरा जीवन दे दिया, कथक से जुड़े कलाकार जिन्होंने पूरी दुनिया में कथक को एक विशेष स्थान दिलाया। सचमुच ऐसी ही बहुरंगी है हमारी धरती उत्तर प्रदेश, जिसे प्रकृति और परमात्मा ने कृपा, अपार आशीर्वाद और कृपा दिया है। उन्नत भूमि है, संसाधन युक्त भूमि है और प्रेम, सद्भावना और सद्भाव के साथ प्रेम का संदेश फैलाने वाले लोगों की ये धरती। सभी कलाकार उत्साहित, उनके निवेदन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया।